दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना की चारों इकाइयों महाराणा प्रताप, सुभाष गोरखनाथ एवं मीराबाई के स्वयं सेवक व स्वयं सेविकाओं द्वारा राष्ट्रीय सड़क यातायात सप्ताह के अंतर्गत एक रैली महाविद्यालय से सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज सिंह द्वारा रवाना किया गया। रैली को महाराणा प्रताप इकाई के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय से निकलकर इंद्राबाल विहार होते हुए चेतना तिराहे पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। यहां पर यातायात की कमान स्वयं सेवक एवं स्वयं सेविकाओं ने चार टुकड़ियों में बंटकर संभाला, जिसमें चौराहे से जो भी वाहन गुजर रहे थे सीट बेल्ट पहनकर एवं हेलमेट पहनकर वाहन चला रहे थे उनका धन्यवाद ज्ञापित किए और बिना हेलमेट गाड़ी चला रहे लोगों को रोक कर गुलाब का फूल देकर उनसे हेलमेट एवं सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाने की अपील की। इसके तत्पश्चात चेतना तिराहे पर मौजूद लोगों के सम्मुख यातायात नियमों की जागरूकता हेतु छात्रों द्वारा नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें मुख्यतः यमदूत के द्वारा सड़क यातायात के नियमों के पालन न करने वाले लोगों, हेलमेट पहनकर गाड़ी न चला रहे, सीट बेल्ट लगाकर वाहन नहीं चला रहे, सिग्नल का उल्लंघन कर रहे, शराब पीकर वाहन चला रहे, ईयरफोन लगाकर गाड़ी चला रहे, तीन लोगों को बैठाकर गाड़ी चला रहे बिंदु पर आधारित नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारी सुरेंद्र चौहान और डॉक्टर चंडी प्रसाद पांडे सहित अन्य छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय की वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी रुक्मणी चौधरी ने कहा, नाटक के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे यातायात के जो नियम हैं वो हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। वो देखो हेडफोन लगा के यातायात के नियम पालन कर रहे हैं यार, ये हमारे पृथ्वी लोग पे क्या हो रहा है यार, मुझे लग रहा है यार ये ब्रह्मांड ही नाश हो जाएगा, मुझे लग रहा है मुझे चंडमुंड को बहुत जरूरत है यार, हमें बुलाना पड़ेगा चंडमुंड को। मेरे चंडमुंड कहाँ पे हो, जल्दी आओ। अरे बड़ा विशेष समझ रहे लग रहा है, हम लग रहा है अपने पे आ गए हैं। हाँ मित्र, लगता तो हम ये कहाँ आ गए हैं, कहाँ आ गए हैं मित्र, ये लगता है हम पृथ्वी लोक पर आ गए हैं। पता है ये पृथ्वी लोक का गोरखपुर नगरी है। गोरखपुर नगरी, अरे गोरखपुर नगरी के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, अरे वो इतना स्वच्छ और सुंदर बना रखे है ना, हम सपने में देखे थे कि अपना गोरखपुर नगरी कितना सुंदर है, एकदम लहलहा रहा है। लोगों को बताने आए थे यातायात के नियम कितने जरूरी है, आजकल लोग बिना हेलमेट की गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल का पालन नहीं कर रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दे रहे हैं, और तो और शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, सीट बेल्ट का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यही हम बताने आए हैं। नजर हटी।
सुनी चौधरी है, मैं शिक्षा शास्त्र विभाग की सहायक आचार्य हूँ प्लस राष्ट्रीय सेवा योजना की वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी हूँ। आज ये रैली सड़क सुरक्षा नियम को पालन करते हुए निकाली गई थी, जिसमें हमारे स्वयं सेवक एवं स्वयं सेविकाएँ चारों इकाई के इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। ये रैली यहाँ से अपने महाविद्यालय परिसर से निकलते हुए इंदिरा बाल विहार होते हुए वापस फिर कैंपस आई है और नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी बच्चे समाज को जागरूक किए हैं कि सड़क सुरक्षा क्यों ज़रूरी है और कितनी हम सभी के लिए ज़रूरी है। हेलमेट ना पहनना, बिना बेल्ट के गाड़ी चलाना, प्लस ईयरफोन लेकर लगा करके गाड़ी चलाना, ये सब दुर्घटना का एक निशानी है। इन सबको सभी को सचेत करते हुए अपनी बातों को बच्चों ने बताया है, एक एक लोगों को समझाया है। इस दौरान जो लोग बिना हेलमेट के या ईयरफोन लगा के चल रहे थे, उनको गुलाब का फूल भी देके आप लोगों ने जागरूक किया? हाँ, उनको गुलाब का फूल दे करके जागरूक किया गया है। कुछ लोग तो ईयरफोन लगा करके गाड़ी चला रहे थे, उनका ईयरफोन निकलवा करके जेब में रखवाया गया है। हेलमेट कुछ लोग डिक्की में रखे हुए थे, कुछ लोग टांग करके चल रहे थे, उनको भी हेलमेट लगा करके फिर गाड़ी स्टार्ट करने की बात कही गई है, उनको सचेत किया गया है। ये लगातार चलता रहेगा? अभी तो ये चलता रहेगा क्योंकि ये सड़क सुरक्षा सप्ताह भी है, तो इसलिए हमारे वॉलंटियर सब जा करके हर चौराहे पे जगह जगह जा करके नियम का पालन कैसे करना है इसको बताएंगे समाज को, समाज के आगे अपनी बातों को रखेंगे, उनको समझाएंगे कि हम यातायात के नियम का पालन कैसे करें, इसके विषय में वो जागरूक करेंगे।